तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं आज हमारे पास एक रेडमी 8A हैंडसेट है जो कि अभी डेड कंडीशन में है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे मैं अभी कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग करूंगा, सारा चीज़ इस वीडियो में बता रहा हूं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। तो सबसे पहले यहां पर चार्जिंग के 6 पिन स्कीमेटिक पोर्ट पर हम चेक करते हैं, ताकि 6th नंबर जो है इसका चार्जिंग का पोर्ट है। और यहाँ पर जैसे मैं चार्जर लगा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी यहाँ पर लगी हुई है और चार्जिंग का भी यहाँ पे पता लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एम्पियर अभी कंज्यूम नहीं कर रहा है। एक बार वापस से निकाल के लगा देता हूँ। यहाँ पे 6 पिन में देख सकते हैं कोई एम्पियर यहाँ पे कंज्यूम नहीं कर रहा है। और चलिए यहाँ पे डीसी से एक बार बता देता हूँ आपको। डीसी में कनेक्ट करेंगे और डीसी में कनेक्ट करके चेक करेंगे। जैसे डीसी में कंज्यूम डीसी कनेक्ट करता हूं तो 0.017 ये लो बूटिंग है जीआर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर पावर की प्रेस करते हैं तो एक बार पावर की भी प्रेस करके चेक कर लेते हैं। चलिए पावर की प्रेस करते हैं, पावर की प्रेस करके चेक करते हैं। तो पावर की प्रेस करने पे जैसे कि आप देख सकते हैं 0.021217 ऐसे ले रहा है। तो चलिए सबसे पहले कूल टेस्टिंग करते हैं, मदरबोर्ड में कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो इसके लिए पीसीबी को हम बाहर निकालेंगे, फोल्डर को बाजू रख देंगे, तो मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखेंगे और कूल टेस्टिंग में हम रेड प्रोब ग्राउंड करते हैं, ब्लैक से चेक करते हैं। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा ग्राउंड, यहाँ पे हमारा वीबैट लाइन में देख सकते हैं 490 के आसपास जीआर आ रहा है। और रिवर्स में अगर देखें तो 1600 के आसपास, मतलब ये लाइन हमारी सही है। और यहाँ पे चलिए वीपीएच लाइन पावर आईसी के पास चेक करते हैं। तो देख सकते हैं आप वीपीएच लाइन में कोई शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं वीपीएच लाइन, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो एलसीडी के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, और लो बूटिंग जो प्रॉब्लम आती है ये आपका ज़्यादातर पावर एसी या फिर सीपीयू की वजह से आती है। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लाइट एसी के पास काम किया हुआ है और यहाँ से कुछ कंपोनेंट कैपेसिटर्स भी मिसिंग है। और जब इन्होंने लाइट वगैरह पे काम किया होगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे पावर की पे हीट है, मतलब सीपीयू वगैरह में हीट गई होगी जिस वजह से ये सेट हमारा लो बूटिंग में आ रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स पहले इन्होंने जो काम किया था लाइट और ग्राफिक के लिए, तो ये इनके लाइट और ग्राफिक के कॉइल्स है जो कि हमारे MIPI कॉइल्स होते हैं। तो कभी CPU शॉर्ट होता है तो यहाँ पे भी ज़रूर चेक कर लें। कभी ये देख सकते हैं यहाँ पर MIPI की लाइन यहाँ पर शॉर्ट बता रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली इस कॉइल में आपको शॉर्टिंग मिल रही है, मतलब यहाँ पर जो ग्राफिक की सप्लाई आती है यहाँ पर इस कॉइल के थ्रू, जिसे हम EMI फिल्टर कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिल्टर, तो इसमें शॉर्टिंग आ रही है। मतलब इसका रीज़न ये है कि ये CPU से जो है प्रॉब्लम है, CPU अभी ये शॉर्ट हो चुका है। तो चलिए CPU हम खोलेंगे और फिर इसके बाद MIPI लाइन में फिर से चेक करेंगे और उसके बाद CPU रिवॉल्व करके हम लगाएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। तो CPU खोलने के लिए जैसा आप जानते हैं दो हैंडल्स हमेशा हम यूज़ करते हैं, एक ग्लू के लिए ये वाला और CPU लिफ्ट करने के लिए ये। चलिए CPU उठा लेते हैं। सबसे पहले साइड ग्लू कट करेंगे CPU को उठाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे CPU पे इसलिए हम काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी EMI फिल्टर की लाइन जो है अभी शॉर्ट है और हैंडसेट जो है आपका लो बूटिंग में है DC में, जैसे आपने अभी देखा। तो CPU पे काम किया हुआ नहीं है, बट आसपास एरिया में किसी ने काम किया है तो हो सकता है CPU में हीट वगैरह जाने के कारण हैंडसेट हमारा डेड हो चुका है। सबसे
सबसे पहले साइड ग्लू रिमूव करना है आपको, अदरवाइज सारे कंपोनेंट सीपीयू के साथ बाहर आ जाएंगे। अच्छी तरह से ग्लू सारा कट करके बाहर निकाल लेना है और उसके बाद हम सीपीयू को लिफ्ट करेंगे। तो सीपीयू लिफ्ट करेंगे इस साइड से, थोड़ा सा फ्लक्स पहले डाल लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना है आपको। पीपीडी वगैरह नहीं जाना चाहिए। चलिए सीपीयू को उठा लेते हैं। चलिए सीपीयू हमने निकाल लिया है। सबसे पहले बोर्ड को क्लीन करेंगे, उसके बाद सीपीयू को क्लीन करके रिबॉल करके लगाएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। हैंड स्किल अगर आपको सीखनी है तो ज्वाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट बैच आ सकते हैं आप, मुझे कॉल कर सकते हैं। या फॉल्ट फाइंडिंग सीखनी है, हैंड स्किल का काम अगर आपको आता है तो आप ऑनलाइन, हमारा क्लास 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आसपास के कोई भी कंपोनेंट यहाँ से नहीं रिमूव होने हैं, ध्यान रखना है आपको। चलिए अभी हम ड्राई सोल्डर करेंगे, डी सोल्डर करेंगे। और सीपीयू तो रिमूव कर लिए हैं, रिमूव करके क्लीन करके एक बार MIPI वाली लाइन को भी जरूर चेक करेंगे क्या अभी भी यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है। MIPI का मतलब होता है मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। ये हमारी ग्राफिक के लिए लाइनें काम करती है, ग्राफिक रिजोल्यूशन के लिए। GPU सेक्शन से कनेक्शन होता है इसका। ये लाइनें अगर शॉर्ट हो जाए तो आपने देखा अभी मोबाइल आपका लो बूटिंग में चला गया।
सोल्डर वायर करेंगे एक बार ग्लू निकालने के बाद, ताकि बचा कुचा जो ग्रू है वो सारा निकल जाए। फोर साइड से पीसीबी को घुमा घुमा करके आपको ये रिमूव करना है। ये बोर्ड हमारा क्लीन हो चुका है, अब सीपीयू क्लीन करेंगे और उसके बाद सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे, माउंट करेंगे। तो बोर्ड क्लीन हो चुका है और अभी सीपीयू क्लीन करेंगे। सीपीयू को क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लक्स डालेंगे और थोड़ा सा इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम करेंगे। डीसोल्डर वायर से एक बार क्लीन कर देंगे। ये स्टेप्स है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी सीपीयू बना सकते हैं बहुत आसानी से, अदरवाइज आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। October 15 से ऑनलाइन क्लास है, अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फॉल्ट फाइंडिंग, स्कीमेटिक और ऑल सेक्शंस पे कैसे काम करना है स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ सिखाया जाएगा आपको। तो 15 अक्टूबर से ऑनलाइन जूम मीटिंग के थ्रू हमारा क्लास है। तो चलिए ग्लू कट कर लेते हैं। सीपीयू के ऊपर जो ग्लू है उसको ग्लू को आपको रिमूव करना है, उसके बाद बॉल बनाने हैं। ये ग्लू जब तक रहेगा आप ना तो सीपीयू इंस्टॉल कर पाएंगे ना तो इसे रिवॉल्व कर पाएंगे। तो ग्लू निकालने के लिए मैंने रिवर्स 11 नंबर ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे टूल आते हैं ग्लू रिमूविंग के, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सीपीयू लगाने से पहले MIPI लाइन का GR भी आपको चेक करना है जहां पर शॉर्टिंग आ रही थी। तो आधा इस साइड से क्लीन कर लिए हैं और थोड़ा सा इस साइड से भी क्लीन कर लेते हैं। ताकत बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। एक बार फ्लक्स डाल के डिसोल्डर करेंगे, उसके बाद फिर से एक बार ग्लू रिमूव करेंगे, देखते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पर इजीली ग्लू के साथ नरम हाथों से करना है, ताकत बिल्कुल नहीं लगाना है।
ग्लू अभी भी है इसमें, तो थोड़ा सा ग्लू निकाल लेंगे। आराम आराम से काम करिए, जल्दबाजी मत करिए, अदरवाइज सीपीयू आपका डैमेज हो सकता है। कर देंगे फाइनल। देख सकते हैं तो चलिए SM439 CPU रिवॉल्व कर लेंगे। कल
सीपीयू रिवॉल्व हो गया, एक बार MIPI की लाइन वापस चेक कर लेंगे। तो पहले यहाँ पर हमें शॉर्टिंग मिल रही थी, जैसे कि देख सकते हैं अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है, लाइन हमारी सही हो चुकी है। चलो सीपीयू लगाएंगे। थोड़ा पकड़ CPU लगाने के बाद एक और बार MIPI लाइन जो है वापस से चेक कर लेंगे। सब में 10 के 10 लाइनों में GR आना चाहिए। पहली लाइन 380, 380, तीसरी लाइन में भी सेम, चौथी में भी सेम। यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही थी क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू आ चुका है, यहाँ पे भी वैल्यू आ गया, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। एक बार फोल्डर में लगाएंगे और फोल्डर में लगाकर चेक करेंगे। डिस्प्ले का पत्ता बैटरी मेरे लगा लिया है, एक बार पावर की प्रेस करके देखेंगे। मोबाइल वाइब्रेट हो गया, मोबाइल ग्राफिक में मोबाइल तो ऑन हो गया बट यहाँ पर अभी भी ग्राफिक नहीं आ रहा है। अभी ग्राफिक इशू भी है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफिक नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो एम्पियर 1.2 ले रहा है, 1.6 ले रहा है, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे निकाल दिया है और वापस लगाऊंगा तो यहाँ वाइब्रेट भी हो रहा है बट ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो ग्राफिक के लिए इसमें जो IC का इस्तेमाल होता है वो होता है PMI 632। तो यहाँ पे एक IC को चेंज कर लेंगे।
और एक बार उससे पहले कूल टेस्टिंग कर लेंगे। यहाँ पे एक कैप होना चाहिए जो कि यहाँ पे मिसिंग है, जैसा कि देख सकते हैं। ओह सॉरी, ये ऐसा पैरेलल में होगा या सीरीज में, ये तो दोनों लाइन एक ही है, मतलब यहाँ पे दो कैप लगते हैं जो कि मिसिंग है अभी। मतलब एक बार इस आईसी को रिप्लेस करेंगे। दो यहाँ से एक बार ऐसे मिलेगा। रेडमी 9 पावर में से अभी हम डालेंगे इसमें दूसरी आईसी। तो एसी निकाल क्लीन हो गया है पीसीबी हमारा। पूरा ख्याल पर्टिकुलर
इसका पॉइंट देख, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ग्राफिक आ चुका है। तो इसमें हमने PMI 632 को भी रिप्लेस किया और CPU को भी रिवॉल्व किया इसमें, तो यहाँ पे परसेंटेज आ चुका है। और अभी इसको हम ऑन कर देंगे, 48% चार्ज है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा ए हैंडसेट को कैसे मैंने रिकवर किया। लो बूटिंग में था, MIPI लाइनें शॉर्ट थी, उसके बाद CPU रिवॉल्व किया, उसके बावजूद फिर ग्राफिक नहीं आ रहा था, तो फिर हमने इसमें ग्राफिक आईसी को रिप्लेस किया। और ग्राफिक आईसी को रिप्लेस करने का रीज़न ये था कि पहले कहीं टेक्नीशियन के पास ये हैंडसेट गया हुआ था कि ग्राफिक का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर इन्होंने ग्राफिक आईसी के ऊपर काम किया था। तो हो सकता है आईसी ख़राब उन्होंने डाली हो या फिर ख़राब आईसी उन्होंने डाली, क्योंकि ये आईसी जो होती है ब्लैक पेस्टेड होती है, ऑलरेडी आईसी निकली हुई है और आईसी निकाल करके उन्होंने डाली और हैंडसेट सीपीयू में हीट लगने की वजह से हैंडसेट डेड हो चुका है और मीपी लाइन्स हमारी शॉर्ट हो चुकी थी और लो बूटिंग में जा रहा था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड लोग आ चुका है। तो इस तरह का नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास है हमारी 15 अक्टूबर से, उसमें आप ये सारा चीज़ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैंडसेट हमारा पूरी तरह से ऑन हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।